माफियाती कहमत के गुर्गों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद अभी भी मोस्ट वांटेड गुर्गों की तलाश जारी है। इसी बीच गैंगस्टर के नाबालिग बेटों के लापता होने का मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। माफियाती कहमत के दो नाबालिग बेटों के लापता होने के राज से अभी भी पर्दा नहीं उठा है। इस मामले में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की ओर से सीजीएम कोर्ट में दाखिल अर्जी पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार ने कहा है कि पुलिस ये जल्द से जल्द बताए कि आखिर क्यों उसके बेटे की अभी तक खोज नहीं की गई है। मामले की सुनवाई के लिए 17 मार्च की तिथि तय की गई है, हालांकि रिपोर्ट पेश नहीं की गई। इसके बाद कोर्ट ने 20 मार्च को सुनवाई के लिए तिथि तय कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि 3 बार मौका देने के बावजूद कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है और उन्होंने धूमनगंज के थाना प्रभारी को नोटिस जारी करते हुए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा है और उन्होंने ये भी पूछा है कि किन परिस्थितियों में उनके द्वारा कोर्ट के आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया है। बाहुबली अतीक अहमद के दो बेटों के लापता होने के मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार गौतम ने धूमनगंज थाना प्रभारी द्वारा अदालत के समक्ष बंद लिफाफे में पेश की गई आख्या को वापस करते हुए यह आदेश दिया था कि थाना प्रभारी कोर्ट में खुली रिपोर्ट पेश करें। उमेश पाल हत्याकांड मामले में धूमनगंज थाना की ओर से 13 मार्च को कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश की गई थी। पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया था कि आवेदिका शाइस्ता इस मामले में घोषित इनामी अभियुक्त है और माफिया परिवार से संबंध रखती है। ऐसी दशा में उसकी दुश्मनी होने से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए आवेदिका द्वारा दाखिल अर्जी के संबंध में लिखित आख्या को गोपनीय रखते हुए एक बंद लिफाफे में भेजी जा रही है। ये भी कहा गया है कि दोनों बेटों को बाल संरक्षण गृह में दाखिल कराए गए थे और वहीं शाइस्ता परवीन का कहना है कि उनके बेटे बाल संरक्षण गृह में अभी भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ।